इंस्टाग्राम स्टोरी मेंशन ट्रिक्स क्या होगी? टेंशन मतलब मैं बता दूं। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस आप में से कितने सारे लोग जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे रेगुलरली स्टोरी अपलोड करते हैं, तो ऐसे में जो आप जरूर से किसी को मेंशन करते होंगे इंस्टाग्राम पे। सो यस गाइस, अगर आप भी इंस्टाग्राम स्टोरी के मेंशन का यूज करते हैं तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक नहीं दो नहीं टोटल तीन ऐसे मस्त मेंशन ट्रिक्स जिसकी वजह से जो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आपकी कोई भी स्टोरी देखेगा भाई वो एकदम चौक जाएगा कि तूने कैसी बनाई। तो तीनों के तीनों ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो आपका एंड तक देखते रहने का इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जो ट्रिक्स है ये आपके एंड्रॉइड iOS दोनों डिवाइस में वर्क करेगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई iOS एंड्रॉइड का ये सीन है, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, दोनों में ये वर्क करेगी। साथ साथ बता दूं कि यहां पे जो आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वेबसाइट पे नहीं जाना है, इंस्टाग्राम के अंदर ही है। तो चलते हमारी सबसे पहली ट्रिक की तरफ। तो गाइस अगर आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको बार बार बोलता है कि भाई मेरी स्टोरी या फिर रील्स वीडियो मेंशन में लगा दे, स्टोरी के कर दे मेंशन कर दे, ये सब चाहते हैं, अगर आप चाहते हो भाई उसको मेंशन भी हो जाए और उसको पता भी ना चले कि भाई उसको मेंशन हुआ है, या फिर आप चाहते हो कि भाई वो मेंशन भी हो जाए किसी और को ना पता चले, तो बेसिकली क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कोई भी एक स्टोरी सेलेक्ट कर लेनी। जैसे मेरी एक फोटो है अभी, भाई ये फोटो में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। खैर हम फोटो की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे मेंशन की। तो जैसे आपकी कोई भी दोस्त की रील्स वील्स हो सकती है, तो आपको जाना है मेंशन स्टिकर पे एंड यहाँ पे आपको जो है उसका अकाउंट नाम जो है मेंशन कर देना है। अब बेसिकली क्या करना है, इसको जो है आपको जैसे भी आप रखना चाहते हो इसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको कर देना है। लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, आपको जो है ये डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये सेव हो चुकी है, इसको यहाँ से बैक कर दिया हमने। फिर हम गए एंड वापस से जो हमें सेम वही यूज़ करना है। अब इस बार क्या करना है आपको, इस बार मेंशन यूज़ नहीं करना है, इस बार आपको एट द रेट वाला मेंशन डालना है। तो आपने ये डाला, इसको छोटा कर दो, इसका आप जो कलर कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। जैसे मैं ये वाला कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको यहाँ पर रखूँगा नीचे एंड ये हो गया, इसको और छोटा करके और हम ये यहाँ पे रख देंगे। ओके गाइस अब ये हो चुका है। अब जब आप इस स्टोरी लगाएंगे तो भाई ये जो मेंशन काम नहीं करेगा, यहाँ पे जो है मैंने प्राइवेट अकाउंट पे आ गया, आप देख सकते हो इधर जो है मेरे को मेंशन का ऑप्शन आ रहा है, बट जैसे ही जो है मैं अगर इसको कोई और अकाउंट देखेगा जैसे ये वाला अकाउंट, अगर वो इस मेंशन वाले इस पे क्लिक करेगा तो वो जो है वर्क नहीं करेगा। एक्चुअली जो मेंशन वर्क कर रहा है वो नीचे वाला है, आप देख सकते हो मेरी फिंगर के पास, बट ये वाला जो, तो एक तो आप बोल सकते हो मेंशन काम नहीं कर रहा लेकिन वो वाला काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा काम की ट्रिक है। सो गाइस अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी ट्रिक। तो गाइस ये वाली ट्रिक जो आपके सच में बहुत ज़्यादा काम आएगी, अगर आप चाहते हो भाई एक स्टोरी लगाना उसमें जो है एक ही बंदे को मेंशन करना लेकिन चार चार पाँच पाँच बार, लेकिन ये जो इंस्टाग्राम में पॉसिबल नहीं है बट मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको कोई भी स्टोरी सिलेक्ट कर लेने, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपको जाना है यहाँ पे जो है स्टिकर के आइकन पे, या फिर आप जो है नॉर्मल अपना वो वाला मेंशन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये कर लिया एंड आपको जो है इस पर क्लिक कर देना, आप जो भी फोन करना चाहते हो, जैसे मैं ये वाला फोन कर देता हूँ। अब आपको जो है यहाँ पे इसको सेव कर देना है। यस गाइज इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे बैक करना है एंड वापस से आपको जो है ये वाली फोटो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद गाइज आपको फिर से जो है यहाँ पे एक बार मेंशन करना है, आप जो है ये वापस से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है मैं इसको एक बार नीचे कर देता हूँ, अब यहाँ पे जो है मैंने इसको फिर से सेव कर लिया। ऐसे आपको तीन चार बार कर देना है। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चार बार में जो है मैंने एक ही अकाउंट को मेंशन करा गया है। तो अगर आप चाहते हो भाई यहाँ पे फाइनल मेंशन करना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो एंड इसको जो है अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये कर देता हूँ, अब भाई कोई भी स्टोरी देखेगा, सबसे पहले मैं इस स्टोरी को लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने अकाउंट स्विच कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी स्टोरी देखेगा उसको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा जो है मेंशन करा है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ जो मेरे को पता है, तो ये वाला जो है मैंने मेंशन करा है, बट एक्चुअली ये जो है आपको नहीं पता लगेगा कितने सारे। अगर कोई भी देखेगा उसको भाई एकदम यूनिकली लगेगा कि चार पाँच मेंशन इसने एक ही उसमें कैसे कर दिए। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड एंड आखिरी ट्रिक की तरफ जो बहुत ज़्यादा मस्त है। अब गाइस ये वाली जो ट्रिक है इसको जो है आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका किसी भी स्पेशल वंस का बर्थडे है, या फिर आप कोई भी ऐसा फ्रेंड है आपका बहुत ज़्यादा नियर है आपके फ्रेंडशिप में। यार यार ये जो है मैं पर्सनली बर्थडे विश करने के लिए यूज़ करता हूँ, आप सभी को यही प्रेफर करूँगा। तो आपको जाना है सिंपल से जो है एक भी फोटो पे, आपको कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेने, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली फोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब आपको जाना है इस वाले आइकन पे जो आ रहा है ऊपर एंड इधर जो आपको कोई भी कलर कर देना है, ब्लैक वाइट जो भी आपका मन करे, मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। तो ये जो मैंने ब्लैक कर दिया एंड आपको जो है सेव कर देना है। बाद गाइस यहाँ पे आपको आ जाना है एंड यहाँ पे जो आपको मेंशन स्टिकर पे जाना है एंड इधर जो आपको कोई भी अकाउंट मेंशन कर देना है, मैं अपना जो है एज यूजुअल अपना प्राइवेट अकाउंट को मेंशन करूंगा। तो आपको जो है इसको ऊपर की तरफ कर देना है, या फिर आप इसको वर्टिकली कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। जैसे मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसकी जो है चैन बनानी है। गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा ये। एंड इधर जो आपको सेव कर देना है, मैं आप सभी को ये सेव करके दिखाता हूँ। यार ये सेव क्यों नहीं हो रहा, ओके ये सेव हो चुका है। जो है नीचे नीचे करते हुए ऐसे आपको जो है ये सारी बनानी है
है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट पूरी जो है स्क्रीन भर देनी है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, बट यहाँ पे हमारा काम डन नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है। एंड अब आपको जाना है वापस स्टिकर पे, एंड इधर जो आपको एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जो है मैं अपनी या फिर आप जिसकी भी फोटो लगाना चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं ये वाली फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइज, इस तरीके से आपको करना है। एंड भाई यहाँ पे जो आपको मेंशन करना नहीं भूलना है उसका जो भी बर्थडे है, जैसे जे मैं अपने मेन अकाउंट को कर देता हूँ। अब आपको इसका साइज पीछे रख देना है या जो भी मर्जी, इसको जो स्टोरी लगाएंगे। यहाँ पे अकाउंट स्विच कर दिया है, अब आप देखोगे तो गाइज ये कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। अब किसी का भी बर्थडे होगा तो भाई यहाँ पे आप जरूर से इसको इस तरीके से यूज़ करना, पीछे मेंशन एंड इधर जो इस तरीके से, तो आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मस्त ट्रिक। आप सब लोगों तीनों के तीनों ट्रिक्स काफी ज्यादा मस्त लगी होगी। एंड आप लोग बताना आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है। मेरी पर्सनल फेवरेट जो है थर्ड वाली है। एंड मैं सही बताऊं तो यार इसको मैं यूज कर रहा था और आप लोगों की डिमांड आई थी तभी मैंने इसको जो है यहां पे पिक करा। तो भाई आप लोग अगर और भी चाहते हो ऐसे एपिसोड देखना तो इस वीडियो को जो है जरूर से लाइक करना। एंड अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है जरूर से मैं जो है नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। तो इतना ही वीडियो में मिलता हूं, नई वीडियो तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।